हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। जीतू सर की क्लासेस में हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में क्या किया था। मैंने मेरी पिछली वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर विस्टास बुक का लास्ट चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर, इस चैप्टर को मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है वन बाय वन, इवेंट बाय इवेंट, और पूरी कोशिश की है कि पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में उसको आराम से मैं इंक्लूड कर सकूं। और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में स्पेशल क्या है। आज की वीडियो में फॉर द सेम चैप्टर एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करते हैं, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स की, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, और उस पूरे चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है मैंने मेरी पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कम विद मी एंड स्टे विद मी, एंड वीडियोज को, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, शुरू से एंड तक, तब समझ में आएगा। ओके डियर, सो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं इस जो चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स, हालांकि मैंने ये पिछली वीडियो में डिटेल बता दी है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस चैप्टर से मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। इवांस द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है इवांस, जिसको लोग बोलते हैं इवांस द ब्रेक, क्योंकि थ्राइस वो जेल से भाग चुका है 3 बार। नेक्स्ट द गवर्नर, गवर्नर ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर। जैक्सन सीनियर ऑफिसर ऑफ प्रिजन। स्टीफन्स न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट मैक्लेरी इन्विजिलेटर ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड कार्टर, कार्टर हमारा कौन है, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट। ओके डियर, तो हमारा हो गया कैरेक्टर्स के बारे में, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए स्टे ट्यून्ड विद मी, कहीं जाइएगा नहीं, तब सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। विच आर्टिकल्स इन मैक्लेरी सूटकेस प्लेड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द इवांस एस्केप एंड हाउ। मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आया था एग्जाम हेल्ड कराने, उसकी सूटकेस में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे आर्टिकल्स थे, ऑलमोस्ट 4 या 5, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल्स थे। लेकिन मैक्लेरी के सूटकेस में जितने भी आर्टिकल्स थे, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किस आर्टिकल ने प्ले किया इवांस को जेल से भागने में, एस्केप करने में। तो चलिए, विच आर्टिकल इन द मैक्लेरी सूटकेस प्लेड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द इवांस एस्केप एंड हाउ। तो मैक्लेरी के सूटकेस के किस आर्टिकल ने इवांस को जेल से भागने में ज़्यादा मदद की, तो सिंपल सी बात है बताऊंगा, वो है सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग ये क्या है, अगर आप पिछली वीडियो देखें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब उसकी तलाशी ली गई, उसके इन्विजिलेटर मैक्लेरी के सूटकेस की तलाशी ली गई, तो उसमें एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग आई, रबर रिंग पाई गई, ठीक है, रबर रिंग। तो लोगों ने पूछा, अथॉरिटीज़ ने, कि ये क्या है, तो उसने कहा कि आई डू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ पाइल्स। मैक्लेरी ने कहा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, और ये एनल प्रॉब्लम होती है बेटा, आपको, आप लोगों ने सुना होगा, ये एनल प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो जिनको पाइल्स होता है उनको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैक्लेरी ने कहा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मैं सेमी इन्फ्लेटेड मैं रिंग लेके आया हूँ, इसी पर मैं बैठूंगा, क्योंकि मुझे जब तक पेपर होगा तब तक मुझे बैठना पड़ेगा। तो अथॉरिटीज़ वर सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली उस रबर रिंग में क्या था, उस रबर रिंग में ब्लड था, किसका, पिग का, पिग्स, उस रबर रिंग में पिग्स का ब्लड था, और बाद में जिसे कि इवांस ने अपने हेड पे डाला था, ठीक। तो वो जो ब्लड जो रखा हुआ था सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग में, तो रबर रिंग बेसिकली प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्केप ऑफ इवांस, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरीड। मैक्लेरी, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आया था उसके सूटकेस में क्या क्या कंटेंट थे। वन मोर टाइम, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉल सूटकेस दैट वर कैरीड बाय मैक्लेरी। उसमें सील्ड क्वेश्चन पेपर, उसमें थे सील्ड क्वेश्चन पेपर, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, और उसका आईडी कार्ड, और पेपर को कट करने के लिए नाइफ, और उसके बाद एक बाइबल की छोटी सी बुक, एंड द चर्च टाइम्स का एक न्यूज़पेपर, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या उसके पास था। उसके पास सील्ड क्वेश्चन पेपर थे, और येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, उसका खुद का आईडी कार्ड, और साथ में एक पेपर नाइफ,
और पेपर नाइफ के बाद एक बाइबल और एक चर्च टाइम्स की न्यूज़पेपर। ठीक है बेटा, तो ये कंटेंट उस सूटकेस में थे। किसके पास? मैक्लेरी के पास। तो याद रखना ये कंटेंट्स उसके पास थे। हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट, why did Evans not take off his hat when Jackson ordered him to do so? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आपको पहले से पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। बहुत सिंपल है। सो why did Evans not take off his hat when Jackson ordered him to do so? Jackson, Evans जब प्रिजन में था तो बैठा था, तो उसने अपने सर पे एक बहुत ही शैवी सी हैट, गंदी सी हैट उसने अपने सर पे डाल रखी थी। जैक्सन सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अपने हैट हटाओ यहाँ से, ये हैट यहाँ से हटाओ, लेकिन जैक इवांस ने मना कर दिया। उसने इवांस ने कहा नहीं, ये मेरे लिए लकी चार्म है, क्योंकि आज मेरा पेपर है तो मेरे लकी चार्म है, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। तो उसने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आया था उसके जो हेयर थे वो चॉप्ड हेयर थे, उसके बाल छोटे छोटे थे, और सुबह ही इवांस ने अपने भी बाल छोटे छोटे उसने काटे थे, क्योंकि इवांस के बाल इसके पहले बड़े थे, उसके हेयर बड़े थे, उसके बाल बड़े थे, और सुबह ही इवांस ने अपने बाल काटे थे और ये बात किसी को नहीं पता थी। इसीलिए इवांस ने उस हैट से अपने सर को, अपने बालों को ढका हुआ था और किसी भी प्रिजन ऑफिसर को पता नहीं था कि इवांस के जो हेयर है वो चॉप्ड हो चुके हैं, बाल उसको कटे हैं। इसीलिए उसने मना कर दिया कि मैं हैट नहीं हटाऊंगा, नहीं तो जैक्सन को पता चल जाता कि इसने अपने बाल कटवा लिए, इसके बाल मैक्लेरी के साइज़ के हैं, उसको पता चल जाता तो उसका प्लान सारा फेल हो जाता। इसीलिए इवांस ने हैट अपने बाल से, अपने सर से हटाने से मना कर दिया। डन। सो लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ये माई वीडियोज। ओके, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर? ये क्वेश्चन कई तरह से बन के आ सकता है। हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर? क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप ने किस तरह से इवांस की और गवर्नर की हेल्प की, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें अभी जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर में जो इंडेक्स नंबर लिखा था, सेंटर नंबर लिखा था, तो वहाँ से इंडेक्स नंबर और सेंटर से गवर्नर ने भागे हुए इवांस का पता लगाया कि किस होटल में वो ठहरा हुआ है। ठीक, उस एरिया का उसमें डिटेल दिया हुआ था। किस में बेटा? क्वेश्चन पेपर के इंडेक्स और सेंटर में। तो जैसे आपको पता है कि इंडेक्स नंबर था 313, क्वेश्चन पेपर का इंडेक्स नंबर था 313 और सेंटर नंबर था 271। 313 इंडेक्स नंबर, 271 हमारा था सेंटर नंबर उस क्वेश्चन पेपर में, और इसी को क्लू समझ के गवर्नर ने इवांस का पता लगाया कि वो किस एरिया में है। और जो करेक्शन स्लिप आई थी, करेक्शन स्लिप में लिखा हुआ था कि कहाँ जाना है और वो कहाँ जाके रुका था इवांस, आपको पता है ना, होटल द गोल्डन लॉयन। ठीक है, वो वहाँ पे जाके रुका हुआ था, होटल द गोल्डन लॉयन। और ये सारा एड्रेस कहाँ से और ये सारी डिटेल कहाँ से मिली? करेक्शन स्लिप से और क्वेश्चन पेपर से। जो इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर जो लिखा हुआ था वो उस एरिया का डिटेल था। ठीक, तो इस तरह से जैक्सन को भागने में हेल्प मिली उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू और करेक्शन स्लिप के थ्रू, और लेकिन गवर्नर को भी हेल्प मिली कि फर्दर वो इवांस को डिटेक्ट कर सके, उसको पकड़ सके कि वो कहाँ पे गया हुआ है। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ वॉज इंजर्ड मैक्लेरी एबल टू बी फूल द प्रिजन ऑफिसर्स? How was injured McCleary able to be fool the prison officers? घायल McCleary जो injured था prison में, cell में जो घायल था, उसने prison officers को मूर्ख कैसे बनाया? तो simple सी बात है, जो McCleary, अगर आप chapter पढ़ोगे, McCleary जो वहाँ पर घायल पड़ा हुआ था cell में, actually वो McCleary नहीं था। वो कौन था? खुद इवांस ही था, क्योंकि उसने एक ब्लैंकेट डाला हुआ था और उसके हेड पे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैक्लेरी ने अपनी पूरी एक्टिंग की, एक्चुअली वो जैक्सन ही था तो जिसने मैक्लेरी की पूरी एक्टिंग की। ठीक, क्योंकि जब उसके हेड से जब ब्लीडिंग हो रही थी तो उसने बहुत ही धीरे से, बहुत एकदम थके हुए जिसे एक्टिंग करते हैं, उसने अपनी हैंकी निकाली और जहाँ सर था उसने अपने पूरे सर को, ऑलमोस्ट फेस को थोड़ा सा ढक के रखा था, क्योंकि ताकि उसको पता ना चले लोगों को कि नहीं ये तो इवांस ही है,
तो उसने अपनी हैंकी से ऑलमोस्ट अपना आधा चेहरा यूँ ढका हुआ था और लोगों को ये भी बताया अपनी यूँ टूटती आवाज़ में ऐसे, तो इवांस ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि लोग मुझे ही मैक्लेरी समझे कि सेल में मैं मैक्लेरी ही हूँ। तो ऐसी उसने एक्टिंग की, बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ में बोला। उसने ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो पकड़ा जाएगा कि ये तो इवांस की आवाज़ है तो पकड़ा जाएगा, इसलिए बहुत कम उसने बोला। ऑलमोस्ट यू नो स्टैगरिंग आवाज़ में, लड़खड़ाते आवाज़ में बहुत धीरे धीरे बोला ताकि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये इवांस है। और इस तरह से उसने एक्टिंग करके लोगों को ये बताया कि नहीं, जो इवांस है, इवांस अभी अभी भागा हुआ है, जो जिसको तुम लोग छोड़ के आए गेट तक, वो इवांस है। इस तरह से पूरी एक्टिंग उसने की मैक्लेरी ने और पूरे ऑफिसर्स को मूर्ख बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्परसोनेटिंग मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट। जो पेपर के बाद जेल से, प्रिजन से जो बाहर निकला, एक्चुअली वो इवांस नहीं था, मैक्लेरी था। एंड इट हैड बीन इवांस इम्परसोनेटिंग मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन। और जो सेल में था, जो सेल में घायल पड़ा था, वो मैक्लेरी नहीं, वो इवांस ही था। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी। और इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि वहाँ से करेक्शन स्लिप आई थी, और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर सुपर इम्पोजिंग एक फोटोकॉपी थी, और उस फोटोकॉपी पर डिटेल लिखा हुआ था, एक प्लान था कि क्या क्या करना है। तो उसमें जब क्वेश्चन पेपर जब ख़त्म होने के लिए, जब क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने से तीन मिनट पहले 11:22 पर एक कॉल आया। किसको? गवर्नर को एक कॉल आया, कहाँ से? बोर्ड ऑफिस से, एजुकेशन बोर्ड से। तो उसमें कहा गया कि तो उसको जो कॉल आया, जब वो जैक्सन कॉल अटेंड करने गया, इन द मेन टाइम क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने से 3 मिनट पहले एक कॉल आई, ठीक है। एक्चुअली वो कॉल सच में गवर्नर ने नहीं की थी, जबकि वो कॉल ये पता लगाया था कि गवर्नर ने कॉल किया है जैक्सन को वहाँ से जाने के लिए। स्टीफन वहाँ से चला गया, स्टीफन थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हुआ 3 मिनट के लिए, और उसी में मैक्लेरी और इवांस ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। उसी में जो ब्लड उसके सर पे डालना था, उसने ब्लड डाल लिया, और फिर उसके बाद जो डॉग कॉलर है वो चेंज करने का, जो फ्रंट जो क्लॉथ है वो चेंज करने का, इन लोगों ने अपना चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हुआ। उसमें ये भी लिखा था कि जब तुम जाना उसको छोड़ने के लिए तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक है। स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश एक्सेंट ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो पकड़े जाओगे। तो इस तरह से जो बाहर गया वो मैक्लेरी ही बाहर गया, और जो अंदर रहा वो इवांस ही रहा। लेकिन जो अंदर इवांस ही रहा वो मैक्लेरी की एक्टिंग करता रहा, इस तरह से कि इवांस मुझे मार के, मुझे इंजर्ड करके भागा हुआ है। तो उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके बाल भी चॉप्ड हेयर थे। बाल भी कैसे थे? चॉप्ड हेयर थे, उसके बाल भी कटे हुए थे। तो सबने पहले ही नज़र में विश्वास कर लिया कि ये तो मैक्लेरी यहाँ पर है और इवांस बाहर चला गया। इस तरह से इवांस ने भी मैक्लेरी ने दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग की, और उनकी एक्टिंग में प्रिजन ऑफिसर्स फंस गए, और इस तरह से वो मूर्ख बन गए। आगे की बात करते हैं। मैन ऑफ जीनियस एक्सेल इन एनी प्रोफेशन बिकॉज दे लेबर इन इट। एक्सप्लेन, सिंपल सी बात है। Men of genius excel in any profession because they labor in it। किसी भी profession में आप जाओ, आप कोई भी job करो, कोई business करो, ठीक है, आपको उसमें mastership तभी हो सकती है जब आप उसमें labor करते हो, जब आप उसमें मेहनत करते हो। चलिए इस chapter के reference में अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे? इस जो कहानी का, जो story का हमारा protagonist है इवांस, कितना smart बंदा। और वो थ्राइस ऑलरेडी ही हैज़ ब्रोकन द जेल, वो ऑलरेडी ही हैज़ एस्केप्ड, 3 बार वो जेल से एस्केप हो चुका था, सबको पता था, और ये चौथी बार भी फिर से एस्केप हो गया, वो भी चैलेंज देके। लोगों ने समझा कि भागेगा, पक्का भागेगा, इतना ज़्यादा प्लान है, जर्मन ओलेवल का कोर्स है, ऐसा बहाना है, सबके मन में था भागेगा, और वो निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने इस पर प्लान किया था, इसमें लेबर की थी, इसमें बहुत मेहनत उसने करी थी, ठीक। बहुत मेहनत कहाँ कहाँ से करी थी ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो ये मेरी पिछली वीडियो में है। उसने क्या किया था कि जो ट्यूटर था, जो ट्यूटर हायर किया था, जो ट्यूटर आके उसको जर्मन लैंग्वेज जो पढ़ाता था ओ लेवल, एक्चुअली वो उसका दोस्त ही था, पहली प्लानिंग इसकी थी। फिर उसके बाद सारी चीज़ें उसको पता था, किसको? इवांस को पता था कौन ऑफिसर जैक्सन कैसा है,
और स्टीफेंस कैसा है, गवर्नर कैसा है, कब कब कहाँ से उनके लूप होल्स निकालने हैं, किसकी कहाँ कहाँ पे कमज़ोरी है, क्या क्या प्लानिंग है, सारी प्लानिंग भी उसने करी। और जो मैक्लेरी आया था इन्विजिलेटर बन के, एक्चुअली वो ओरिजिनल रियल मैक्लेरी नहीं था। रियल मैक्लेरी को इन लोगों ने अपने ही घर में, जो इन्विजिलेटर जिसको बन के आना था बोर्ड की तरफ, एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, वो मैक्लेरी, वो तो बेचारा अपने घर में पड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और नकली मैक्लेरी बन के इवांस का दोस्त आया था इन्विजिलेटर बन के। तो ये सब उसकी मेटिकुलस प्लानिंग थी, इतनी ज़बरदस्त उसकी प्लानिंग थी। तो कहने का मतलब, आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी एरिया में, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे आपका बिजनेस है, किसी भी एरिया में हो, अगर एक मेटिकुलस प्लानर हो ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और मेटिकुलस प्लानर कहाँ से बनते हैं? रट्टा मार के नहीं, ठीक है, रात रात भर जाग के नहीं, वो IQ होता है, वो दिमाग होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसने बहुत अच्छी प्लानिंग की, किस तरह से वो अपना रबर रिंग वाला, उसने जिसमें पिक्स का ब्लड लेके आया था, वो प्लानिंग कर ली, और फिर और भी सारी वो चीज़ें हैं, उसने सारी लूप होल्स का सारा फ़ायदा उठाया। तो वो एक, आप कह सकते हो कि यस, इवांस वाज अ मेटिकुलस प्लानर, और किस तरह से उसने प्लान करके फिर एस्केप हो गया, भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डिड नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स प्रूव टू बी बोन फॉर इवांस। चलो एक बार फिर से देखते हैं, हाउ डिड नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स प्रूव टू बी बोन फॉर इवांस। नो डाउट कि जो प्रिजन ऑफिसर्स थे उन लोगों ने बहुत नेग्लिजेंस करी, बहुत लापरवाही करी, उन लोगों ने बहुत सारे लूप होल्स छोड़े, इसीलिए तो इवांस भाग गया। अगर हम शुरू शुरू की बात करें गलती कहाँ कहाँ से हुई, ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। गलती वहाँ से ये करी प्रिजन ऑफिसर्स ने, उन्होंने सबसे पहले जब इन्विजिलेटर आया तो अच्छी तरह से उसकी तलाशी नहीं ली। ही वॉज नॉट सर्च्ड डीपली। क्यों? क्योंकि अपने साथ साथ जब वो आया था, तो अगर आपको पता होगा तो वो साथ में टू ब्लैक फ्रंट्स और टू डॉग कॉलर, टू ब्लैक फ्रंट्स, जो इन्विजिलेटर आया था मैक्लेरी बन के, अपने साथ साथ टू ब्लैक फ्रंट्स और टू डॉग कॉलर्स, वो दो लेके आया था। किसके लिए? एक अपने लिए, एक इवांस के लिए, ठीक। जो इन्विजिलेटर मैक्लेरी बन के आया था, वो टू डॉग कॉलर और टू ब्लैक फ्रंट्स, अगर हम बात करें टू ब्लैक फ्रंट्स और टू डॉग कॉलर, वो पहन के आया था, दो पहन के आया था, एक अपने लिए और एक इवांस के लिए। तो ये लोगों ने नहीं देखा, इस पर नोटिस नहीं किया, ये बात। और दूसरी बात कि वो पेपर के ख़त्म होने के 3 मिनट पहले जो कॉल आई थी इवांस के आदमियों ने जो किया था, उस पर ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक। ये दूसरी गलती हो गई। और तीसरी गलती ये हो गई कि जब स्टीफन मैक्लेरी को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इन्विजिलेटर मैक्लेरी को जब वो छोड़ने जा रहा था प्रिजन के गेट तक, तो उसने नोटिस किया उसका स्कॉटिश एक्सेंट था, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वो थोड़ा पतला लग रहा था। तो अगर उसको ऐसा थोड़ा सा नोटिस किया स्टीफन ने, तो अपने जो सीनियर अथॉरिटी उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, उसने ये भी नहीं किया। तीसरी गलती और चौथी ये है कि जैसे ही स्टीफन ने आके की होल से देखा सेल में कि वहाँ पर अपना ये ब्लैंकेट स्लिप हुआ पड़ा है, पूरे सर में ब्लीडिंग हुई पड़ी है, किसको, वहाँ पर, और बाल उसके कैसे थे, छोटे थे, तो पहली ही नज़र में, एट फर्स्ट साइट, स्टीफन को लगा, पहली बार में यही लगा कि मैक्लेरी यहाँ पर घायल पड़ा हुआ है, यहाँ पे इंजर्ड पड़ा हुआ है, और लगता है इवांस भाग गया। तो जैसे लोगों ने देखा वैसे लोग, किसी ने और कुछ क्रॉस फैक्ट्स अपने मन में नहीं सोचा कि ये हो सकता है। तो जैसा जैसा इवांस ने प्लान किया था वैसा वैसा होता गया, ठीक। तो लोगों ने समझा कि ये तो मैक्लेरी है, सब ने उसको उठाया, उससे बात की, उसने कहा हाँ मुझे पता है इवांस कहाँ गया है, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ डिड इवांस एस्केप फ्रॉम द होटल द गोल्डन लॉयन। लास्ट क्वेश्चन, इवांस एस्केप कर गया, भाग गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना गवर्नर क्योंकि गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती थी, ठीक बेटा, गवर्नर को थोड़ी बहुत जर्मन आती थी, तो गवर्नर ने जो करेक्शन स्लिप और क्वेश्चन पेपर जिसपे अपना इंडेक्स नंबर लिखा हुआ था इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, इस पर लिखा हुआ था उसको, और फिर करेक्शन स्लिप में
जो डिटेल आया था उसकी हेल्प से गवर्नर ने पता लगा लिया कि इवांस कहाँ भागा होगा और जाके कहाँ पे छुपा होगा, कहाँ रहता होगा। तो गवर्नर वहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया बेटा? वहाँ पे पहुँच गया द गोल्डन लॉयन होटल। द गोल्डन लॉयन में पहुँच गया था इवांस आराम से। जैसे ही अपने रूम में पहुँचा, होटल के रूम में, बहुत खुशी खुशी इवांस, तो जैसे ही अपना लाइट ऑन की, वहाँ सामने देखता है कौन बैठा है बेड पे? गवर्नर। ये तो अपनी हिंदी मूवी वाली बात हो गई। आओ, हम जानते तो तुम ज़रूर आओगे, ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हिंदी मूवी वाला डायलॉग हो सकता था यहाँ पे। खैर, आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही गवर्नर को इवांस ने देखा, उसके तो तोते उड़ गए। उसने कहा, ये कहाँ से आ गया? फिर गवर्नर ने आराम से कूल होकर बात करी कि बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं। ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज बात कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा, बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, तुम भागना चाहते थे, ये देखो हम तुम्हारे सामने हैं। फिर गवर्नर ने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए? तो उसने सारी बात बताई कि ब्लड कहाँ से आया। उसने कहा, जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग थी उसमें पिक्स ब्लड था, वो हमने डाला। ये सारी प्लान उसने बता दिया। फिर गवर्नर ने कहा, अब जो होना था हो गया बेटा, आ जाओ फिर से चलो। तो वहाँ पर गवर्नर नीचे आया, तो वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स थे। गवर्नर ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि इवांस को हैंडकफ करो, इसको हथकड़ी लगाओ। और उन दोनों ने इवांस को हथकड़ी लगाई, और जैसे गवर्नर आउट ऑफ साइट हुआ, गवर्नर जैसे ही वहाँ से गया, तो दोनों जो पुलिस ऑफिसर थे उन लोगों ने इवांस को अपनी गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी जैसे ही गई, दोनों ने इवांस को, और जो हैंडकफ था, हथकड़ी थी, दोनों ने खोल दी। क्यों? क्योंकि दोनों जो पुलिस ऑफिसर थे वो इवांस के दोस्त थे, वो नकली पुलिस ऑफिसर थे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन है, ये सेशन अभी मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आई है और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको देखिए और बार बार देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।